राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के अलवर में तनाव पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार एक दलित युवक की हत्या के बाद अलवर जिले के खैरथल में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। युवक की हत्या के बाद दलित समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समुदाय विशेष के लड़कों ने दो दलित युवकों पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में योगेंद्र जाटव नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अमित जाटव गंभीर रूप से घायल है। आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब आचार संहिता लगी हुई है और पुलिस सभी नाकों पर अलर्ट होने का दावा कर रही है, तो फिर हत्यारे वारदात को अंजाम देकर भाग कैसे गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं रही। वहीं परिजनों ने आरोपियों के पकड़े जाने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का ऐलान किया है। योगेंद्र और अमित के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने राज्यपाल के नाम एक पत्र लिखकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने, योगेंद्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी और घायल को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की भी मांग की गई है। योगेंद्र के पिता ने खैरथल थाने में आरोपी मुनफेद और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। किशनगढ़ बास डीएसपी सुरेश पुरी ने कहा है कि मामले की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।